गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लेक्चर 2 ऑफ चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द ऑक्टेट रूल एंड समथिंग अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड, लोन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स. सो आज हम पढ़ेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी, जब तक ये नहीं आएगा समझ में, आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी. ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे. एग्जाम में डेफिनेटली आता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, तो बहुत ध्यान से देखेंगे. ठीक है, पिछली क्लास में मैंने लोन पेयर, बॉन्ड पेयर बताया था आपको. अगर वो क्लियर नहीं हुआ होगा तो एक बार फिर से उसको हम लोग बॉन्ड पेयर, लोन पेयर्स को ट्राई करते हैं और उसके बाद फिर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जाएंगे. ठीक है, सो मैंने N2 का एग्जाम्पल दिया था आपको, नाइट्रोजन का जो वैलेंस शेल है. ठीक है, अगर मैं नाइट्रोजन का ड्रॉ करूँ कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर, तो इस तरीके से बनेगा, है ना. नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने इसका नाइट्रोजन का लुईस सिंबल बना दिया. इधर ये एक नाइट्रोजन है, उसका लुईस सिंबल है. ठीक है, ये दूसरा नाइट्रोजन है, ये उसका लुईस सिंबल है. तो क्या करेंगे, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे इस तरीके से. ठीक है, तो देखो दोनों के अब जो है वैलेंस शेल जो है कंप्लीट हो गया, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. कैसे, देखो ये नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, इस नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो ये इनका कंप्लीट हो गया ऑक्टेट. ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कैसा है. तो बॉन्ड पेयर मतलब होता है बॉन्ड पेयर, जिसको हम जनरली केमिस्ट्री में मैं सिंपल BP करके लिख दूंगी. अगर मैंने BP लिखा है मतलब मैं बॉन्ड पेयर की बात कर रही हूँ. ठीक है, सो बॉन्ड पेयर क्या होगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या होते हैं बॉन्ड पेयर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो कितने पेयर, पेयर समझते हैं, पेयर मतलब दो. ठीक है, तो कितने पेयर हैं, 1 2 3. तो यहाँ पर कितने बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब हम लोन पेयर की बात करते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की. ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर मतलब जिन्होंने अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनकी शेयरिंग नहीं हुई है. सो इसको हम लिख सकते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कितने हैं अनशेयर, जिनकी शेयरिंग ही नहीं हुई है. देखो यहाँ पर कितने हैं, एक अनशेयर्ड है और यहाँ पर भी एक, पेयरिंग हो रही है ना. वैसे तो दो इलेक्ट्रॉन है, दो मतलब, पेयर का मतलब क्या होता है, दो. पेयर का मतलब समझते हैं, पेयर मीन्स टू. तो ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, तो कितने पेयर हैं लोन पेयर, दो. तो अगर N2 मॉलिक्यूल्स की बात करूँ तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 लोन पेयर होते हैं. ठीक है, कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर. सो जो इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ नीचे दिखाने की जगह आप ऊपर भी इस तरीके से इनको शो कर सकते हैं. तो ये यहाँ पर जो बॉन्ड है वहाँ पर बॉन्ड पेयर्स के इलेक्ट्रॉन है और ये लोन पेयर है. एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, ये एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं. एक बॉन्ड का मतलब वहाँ कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ एक बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स. ट्रिपल बॉन्ड है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पर 6 2 8, यहाँ पर 6 + 2 8. तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. तो ये हो गया नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर, समझ में आया. सो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी ये आगे समझ में आएगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर. बॉन्ड पेयर मीन्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी शेयरिंग हुई. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से शेयर हुए, ये वाले. कितने शेयरिंग हुई है, कितने पेयर्स हैं, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर. पेयर समझते हैं, पेयर मीन्स सेट ऑफ टू इज कॉल्ड पेयर. ठीक है, जैसे शूज़ पेयर सेट ऑफ टू होते हैं ना, वैसे पेयर. तो दो दो हैं इलेक्ट्रॉन हर एक बॉन्ड में, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 पेयर है. और यहाँ पर 2 पेयर हैं जो लोन पेयर हैं, तो उनको अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या लोन पेयर बोलते हैं. और उनको इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं. कहीं कहीं इस तरीके से भी ड्रॉ होता है लोन पेयर को दिखाने के लिए कि ऑर्बिटल्स में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर फॉर N2, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर. समझ में पहले इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर आगे लुईस जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ेंगे. ठीक है, इसको नोट डाउन अच्छे से कर लो, ओके, ताकि आपको समझ में आए बॉन्ड पेयर क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है. सो अब हम आते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर में. इसका कुछ कुछ रूल है, ठीक है. जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. अगर आपने स्टेप्स को सही सही फॉलो किया तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है. ठीक है, बस यू नीड टू फॉलो द स्टेप्स, स्टेप्स को फॉलो करो, ओके. तो पहला स्टेप्स क्या है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन.
पहले हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम है ना, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना है, ऐड करना होगा। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको मैं Q से शो करूँगी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं Q से शो करूँगी। Q इज इक्वल्स टू सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल एटम, जितने भी एटम हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम, प्लस यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अगर उस मॉलिक्यूल में कोई चार्ज है तो उसको हम प्लस करेंगे, और नेगेटिव चार्ज है तो प्लस करेंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस। तो ये फॉर्मूला याद रखो, जब मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगी ना तो ये और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑल एटम्स प्लस यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस यूनिट ऑफ प्लस चार्ज, है ना। प्लस चार्ज मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है इसलिए हम उसको माइनस कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। माइनस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, है ना। माइनस साइन समझते हैं, किसी भी एटम में किसी भी मॉलिक्यूल में अगर माइनस साइन है मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, समझ रहे हैं, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इस वजह से हमने नेगेटिव चार्ज को प्लस किया है और प्लस चार्ज को माइनस किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होगा सेलेक्ट दी सेंट्रल एटम, जो मॉलिक्यूल्स है उसमें सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है। सेंट्रल एटम कैसे सेलेक्ट करेंगे, जो भी एटम लीस्ट नंबर पे है उसको हम सेंट्रल एटम बना देंगे। पर अगर सपोज किसी मॉलिक्यूल्स में दो एटम है जिनका सेम नंबर है तो किसको बनाएं भाई, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, ठीक है। जिस भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसको हम क्या बनाएंगे, सेंट्रल एटम बनाएंगे। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, इन ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन को कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनाएंगे। सेंट्रल एटम समझ रहे, जैसे कि मैं मेथेन का स्ट्रक्चर बनाती हूँ, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन, इसमें सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है, ठीक है। सो कार्बन इज द सेंट्रल एटम, तो वैसे ही हमको सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना पड़ेगा जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सेंट्रल एटम किसको सेलेक्ट करेंगे, जो सबसे कम नंबर पे होंगे, जैसे CH4 में सबसे कम नंबर किसका है, कार्बन एटम का, तो वो सेंट्रल एटम बन गया। या फिर अगर सब दो तीन मॉलिक्यूल एटम्स हैं और सबका सब एक ही नंबर पे हैं, उनका नंबर ऑफ एटम्स तो सबका सेम है, तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है वो सेंट्रल में जाएगा। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन और फ्लोरीन को कभी भी सेंटर में नहीं रखेंगे, ठीक है। अगर किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो सेंट्रल एटम में होगा, जैसे कि NH4+, ठीक है। NH4+ एक इसका सपोज आपको देता है कि इसका आप बनाइए लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ओके तो पॉजिटिव चार्ज हमें से किस में आएगा, जो सेंट्रल एटम रहेगा उसी में ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो किस में प्रेजेंट होगा, कॉर्नर एटम में। कॉर्नर मतलब ये जो कॉर्नर के एटम्स हैं उसमें हमको नेगेटिव चार्ज लगाना है। सेंट्रल एटम कैन हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, अब ये सेंट्रल एटम में ज़रूरी नहीं कि उसका ऑक्टेट ही कंप्लीट करना है, उसमें 2 से 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ लुईस स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आगे जब हम ड्रॉबैक ऑफ लुईस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो यही देखेंगे कि लुईस स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। तो जब हम लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सेंट्रल एटम में 8 से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसके भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से लुईस स्ट्रक्चर फेल हो गया, उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे, ठीक है। तो ये रूल है, इसी रूल को फॉलो करना है हमको। अगला जो है, अब इसके बाद कुछ कैलकुलेशन जो हमको करने हैं, पहला तो हमको निकालना था Q, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमको सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड पेयर बनाया है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाया है, ठीक है। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाया है ये हम करेंगे 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स। उसके बाद हम करेंगे कैलकुलेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं उन्होंने बॉन्ड में हिस्सा ही नहीं लिया है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका यूज़ हम करेंगे डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए। फिर से एक बार सुन लो, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। सो ये सब कुछ कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट हम करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसका फॉर्मूला मैंने लिखा दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या है,
टू इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, ये हम बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे कैसे, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये जो क्यू है और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है उसको माइनस कर देंगे, सो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका यूज़ हम सबसे पहले ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए करेंगे, जितने भी एटम है उनका। उसके बाद अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो इन्हीं लोन पेयर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। सो इतना कुछ हमको करना है जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हमको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो चलो कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कार्बन का कितना वैलेंस होगा इलेक्ट्रॉन, 4, है ना। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 4 देखें, सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4। ऑक्सीजन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूं तो इट इज 2, 6, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10, ठीक है, समझ में आया। कार्बन की जो वैलेंस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और ऑक्सीजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों को हमने ऐड कर दिया, ओके। नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, अब हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, ये कैलकुलेट करने के बाद आप ना सी और ओ जो भी है, जितने भी एटम्स हैं उनको लिख लो, और उसके बाद इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बना दो। क्या बना दो, इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बना दो, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स हैं यहाँ पर, 1, तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बॉन्ड पेयर के। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 − 2 = 8, ठीक है। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या है, Q − Bp, लिख देते हैं यहाँ पर, क्या होता है वो, Q − बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। सो Q है मेरा 10 − 2 = 8, क्लियर हुआ। तो ये हमने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। अब ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है, इनका यूज़ हम क्या करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए करेंगे। चलो ऑक्टेट, सबसे पहले ऑक्सीजन का है, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, ठीक है। ऑक्सीजन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, क्योंकि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने शेयर किया, एक ऑक्सीजन ने किया, पर ये इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है ना, ये समझते हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, और ये इलेक्ट्रॉन दोनों के पास होते हैं, इसके पास भी और इसके पास भी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास भी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है। तो अभी मेरे पास कितने हैं, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए मुझे इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, तो मैं यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन डाल देती हूँ। तो देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो मैंने 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिए, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन, उसको मैं यहाँ कर देती हूँ। अब देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या, 1, 2, 3, 4, नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया कि अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ हम क्या करेंगे, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका यूज़, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैं यहाँ बना देती हूँ, एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों को दे देती हूँ, ठीक है। ये यहाँ वाले जो लोन पेयर थे उसको मैंने यहाँ बॉन्ड पेयर बना दिए, डबल बॉन्ड, ठीक है। सो अब देखो, अब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नहीं हुई, पर ऑक्सीजन की तो कंप्लीट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है कि नहीं कंप्लीट। अब क्या करेंगे भाई, अभी भी कार्बन की तो पूरी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो अब क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, इसका भी हम यूज़ कर लेंगे और इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया, अब सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो ऑक्सीजन का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कार्बन के भी देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का भी। तो ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर बना, ठीक है। तो कार्बन के पास कितने लोन पेयर हो गए, एक लोन पेयर ऑक्सीजन के पास, और ये ट्रिपल बॉन्ड। सो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर फॉर दिस। तो सबसे पहले आपको समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार फिर से देख लो, सबसे पहले हमने क्या किया, क्यू कैलकुलेट किया। क्यू क्या होता है, टोटल नंबर, यहाँ पर लिख देती हूँ क्यू, क्यू क्यू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट किया, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो प्लस ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो, उसको हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद क्या किया हमने, कार्बन और ऑक्सीजन बनाया और इनके बीच एक बॉन्ड बना दिया। बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट किए, फॉर्मूला क्या है, 2 into नंबर ऑफ बॉन्ड्स, सो 2 into 1 करके मैंने नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट किया। फिर मैं लोन पेयर कैलकुलेट करूँगी क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स करके, सो 10 - 2 आ गया 8। अब इस 8 इलेक्ट्रॉन से मुझे दोनों के ऑक्टेट को कंप्लीट करना है, तो मैं क्या की 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रॉ किया, इससे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन जो मैंने यहाँ ड्रॉ किए, तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ पर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगी, ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है उसको मैं यहाँ डाल दूँगी और ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ डाल दूँगी। सो फाइनल देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये तो पहले से ही था ये वाला, और ये भी यहाँ चला गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शेयर्ड पेयर में आ गए, ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ शेयर्ड पेयर में आ गया, इसके पास क्या बचा, ये बचा, ये बचा। तो फाइनल दिस इज द स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये ऐसा बनाना है आपको, पहले ये सारे कैलकुलेशन करके फिर ये बनाना है, ओके। सो इसमें कितने लोन पेयर्स हो गया, फाइनल स्ट्रक्चर में देखो 2 लोन पेयर्स हैं और 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है। ये क्या है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, ये कैलकुलेशन है इसको बनाने के लिए, एग्जैक्टली ये नहीं है, ठीक है। आप दिस इज द स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर से फिर आपको पता चलता है कि इसमें 2 क्या हैं, लोन पेयर्स हैं। अगर आप फाइनल देखेंगे तो इसमें 2 लोन पेयर्स हैं और बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। सो दिस इज़ दी लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर कैलकुलेशन फॉर CO। ये तो हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, बट फाइनल इसमें अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड में देखें तो 2 लोन पेयर हैं और 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल लेने वाली हूँ मैं ताकि आप लोगों को और क्लियर होते जाए। अगला हम बनाएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ SO3 मॉलिक्यूल्स, दूसरा एग्जाम्पल है SO3 मॉलिक्यूल्स का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर का वैलेंस कितना है, सल्फर में होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 6 है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, और कितने ऑक्सीजन के एटम हैं, 3, तो क्या हो जाएगा ये 3 into 6, समझ में आया ना, 3 into 6 क्यों हो रहा है, ऑक्सीजन के 3 एटम और 3 एटम के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, 24, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, SO3 में सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है, सल्फर का एक एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम, तो जो लीस्ट नंबर होते हैं वही सेंट्रल एटम होता है, तो S जो हो गया हमारा सेंट्रल एटम, बाकी जगह मैं क्या बना देती हूँ, इस तरीके से ऑक्सीजन बना देती हूँ। ये ऑक्सीजन आप ऊपर भी बना सकते हैं, पर मैं सोच रही हूँ कि मुझे ऊपर में कैलकुलेशन करना है, इसलिए मैंने ऑक्सीजन नीचे बना दिया है, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं आप। अब देखो क्या सबसे पहले क्या करना है, तीनों में एक एक बॉन्ड बना देना है, बना दिया बॉन्ड तीनों के साथ, सल्फर का तीनों के साथ बॉन्ड बना दिया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 into नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड हैं, 3, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए मेरे बॉन्ड पेयर के। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है नेक्स्ट, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, क्या करूँगी, Q - BP, क्यू कितना है, 24 - 6, तो ये आता है 24 - 6 18 आता है, ठीक है। अब इस 18 इलेक्ट्रॉन का यूज़ मुझे क्या करना है, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ओके। तो देखो यहाँ पर क्या है, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6, तो मैंने ड्रॉ कर दिया 1 2 3 4 5 6, तो 18 में से 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास ड्रॉ कर दिया, अब कितने बचे, 12। अब मैं क्या करूँगी, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट करूंगी। सबसे पहले ना आप कॉर्नर एटम के ही ऑक्टेट कंप्लीट करना, सेंट्रल एटम के ऑक्टेट कंप्लीट करने मत लग जाना, सबसे पहले क्या करना, जो कॉर्नर एटम्स है ना उसके ऑक्टेट कंप्लीट करना। तो देखो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन इसको दिए, 6 इसको दिए, कितना बचा, 6 6 12 हो गए, 6 और बचा, तो मैं बचे हुए 6 इसको डाल देती हूँ, ठीक है। तो अब देखोगे तीनों ऑक्सीजन के तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखते हैं सल्फर का कंप्लीट हुआ है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, सल्फर के तो 6 ही हुए हैं, उसको तो 8 चाहिए,
तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम क्या करेंगे, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन का यूज करके डबल बॉन्ड बनाएंगे ताकि सल्फर का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इस लोन किसी भी ऑक्सीजन को ले सकते हो, मैं ये वाला ऑक्सीजन ले रही हूँ, आप इस ऑक्सीजन को भी यहाँ पर डाल सकते हैं, इस ऑक्सीजन का भी डाल सकते हैं, कुछ नहीं है ना। तो ये जो लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन है उसको मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, शेयर्ड पेयर में डाल देती हूँ, ठीक है, उसका बॉन्ड पेयर बना देंगे। तो अब देखो क्या होगा स्ट्रक्चर, ठीक है, आप इसको नोट कर लो, ठीक है, फिर मैं यहाँ पर रब करके इसको बना रही हूँ। तो अब देखो अब क्या हो जाएगा, आप नीचे बनाना, इसके नीचे बनाना स्ट्रक्चर, ठीक है, मैं साइड में ही बना रही हूँ। तो अब क्या हो जाएगा, इस लोन पेयर को मैं यहाँ ला रही हूँ, तो पहले से तो जो बॉन्ड है वो तो है ही है, अब ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास क्या बचेंगे, अब यहाँ पर दो लोन पेयर बचेंगे, समझ में आ रहा है। ये दो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने यहाँ और यहाँ शिफ्ट कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ और यहाँ, तो एक बॉन्ड बन गया यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये एक बॉन्ड बन गया। तो अब देखो सबकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, ये वाला ऑक्सीजन से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 और एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और ये दो 8। तो देखो सब की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, सो दिस इज़ दी लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर SO3, ठीक है। सेंट्रल एटम की भी वैलेंसी कंप्लीट है और कॉर्नर एटम की भी वैलेंसी कंप्लीट है। तो कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना, क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हम ये ड्रॉ कर रहे हैं और सब में एक एक बॉन्ड बना दे रहे हैं, बॉन्ड बना के हम क्या कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर क्यू माइनस बीपी करके लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर रहे हैं। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ क्या कर रहे हैं हम, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि सबको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो कोई भी एक लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को हम क्या यूज़ करते हैं, डबल बॉन्ड बनाने के लिए। और डबल बॉन्ड बनाने के बाद भी अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो हम ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, किससे बनाते हैं, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन से ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर SO3, क्लियर हुआ। अब हम कुछ आयंस वाले बना लेते हैं, थर्ड एग्जांपल, इसको नोट डाउन कर लिया, ओके, बहुत सिंपल अमोनियम आयन, ठीक है, अमोनियम आयन से कैलकुलेट करते हैं। अब देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी आ गया है, तो जब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो जो चार्जेस हैं उनको भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक। सो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या बताया था मैंने, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम, और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हमको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उनको हमको माइनस करना है। सो पहले नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन का होता है 2-5 स्ट्रक्चर और इसमें तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में और कितने हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, 4, तो मैंने किया 1 × 4। अब देखो यहाँ पर प्लस चार्ज है तो ये प्लस चार्ज को क्या करेंगे हम, एक माइनस, प्लस का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है उसने, लूज किया है इसलिए हमने उसको माइनस किया, ओके। तो ये हो गया 5 + 4 - 1, तो ये हो गया 8, ठीक है। सो ये टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे 8, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सेंट्रल एटम बनाना है, सेंट्रल एटम क्या होगा, ऑब्वियसली नाइट्रोजन होगा क्योंकि नाइट्रोजन सबसे कम है। अब मैं क्या बना दूंगी, इस तरीके से चारों तरफ इसके हाइड्रोजन बना दूंगी, ठीक। हाइड्रोजन बना के क्या करना है, मुझे एक एक बॉन्ड बना देना है। अब हम मुझे क्या कैलकुलेट करना है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो कितने बॉन्ड है, 4, तो 2 × 4 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे क्या करना है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, वो कितना होगा, 8 - 8 = 0, मतलब अब तो कोई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। तो अब क्या है, अब आप देखो सबकी वैलेंसी कंप्लीट है कि नहीं, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट देखो सब केस में कंप्लीट है, हर एक हाइड्रोजन के पास दो दो इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8
8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस प्लस चार्ज को क्या करें, तो मैंने लिखा था पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम, तो पॉजिटिव चार्ज हमको कहाँ बनाना है, सेंट्रल एटम में बना देना है। तो अमोनिया का जो स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें पॉजिटिव साइन लगाओगे आप नाइट्रोजन पे इस तरीके से। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर फॉर अमोनियम आयन। ये अमोनियम आयन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा। क्लियर हुआ कैसे किया हमने? ये तो बहुत ही ईजी था। सबसे पहले हमने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाए, ये है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन, ये क्या है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन, और ये माइनस वन क्यों किए, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, इसलिए हमने क्या किया उसको माइनस। वहाँ से हमने कैलकुलेट कर दिया टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट इज़ कॉल्ड क्यू। फिर हमने कैलकुलेट किया बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो, पहले सेंट्रल एटम बनाओ, उसके चारों तरफ कॉर्नर एटम बनाओ और सबसे एक एक बॉन्ड बना दो, ठीक है। तो कितने बॉन्ड बने, 1, 2, 3, 4, तो वहाँ से मैंने कैलकुलेट किया 2 × 4 करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लिए। फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, तो क्यू कितना है 8, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स भी 8, तो 0। तो अब मेरे पास लोन पेयर तो है ही नहीं, तो मुझे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। फिर मैंने देखा कि सबकी वैलेंसी कंप्लीट है, तो थी। अब पॉजिटिव चार्ज का क्या करना है, तो जब भी पॉजिटिव चार्ज है उसको हमको कहाँ लगा देना है, सेंट्रल एटम में लगा देना है। सो ये किसका हो गया, अमोनियम आयन का हो गया फाइनल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं NO2 आयन का। नेक्स्ट जो हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे वो बनाएंगे नाइट्राइट आयन का, ठीक है। नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन क्या होता है, NO2 माइनस, ठीक है। नाइट्राइट आयन क्या होता है, NO2 माइनस, इसका हमको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ओके। सो NO2 का अगर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। सो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। अब देखो यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, दो ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, है ना, समझ रहे हैं। ये है नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये दो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो इस पर माइनस चार्ज है, ठीक है, NO2 माइनस, एक NaN है। NaN कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो ये प्लस वन किसके लिए है, ये माइनस चार्ज के लिए, समझ रहे हैं। NaN मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इसलिए हम वहाँ पर प्लस वन कर रहे हैं। सो टोटल कितना आ गया, ये 6, 2 = 12 प्लस 5 = 17 और 18 आ गया, क्लियर हुआ। सो हमने कैलकुलेट किया टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सेंट्रल एटम क्या हो गया, एन होगा, क्योंकि वो सबसे कम है, और दो ऑक्सीजन बनाने हैं, ठीक है, ऐसा बना लो। अब क्या करना है, नेक्स्ट में यहाँ पर एक एक बॉन्ड बना देना है, क्लियर हुआ। बॉन्ड बनाएंगे तो मैं कैलकुलेट करूँगी फिर बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होता है, 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 2, सो हो गया 4 इलेक्ट्रॉन्स। फिर क्या कैलकुलेट करूँगी, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, वो कितना होगा, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो हो गया 14। अब इस 14 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, मुझे इस तरीके से इन तीनों में डिवाइड करना है कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ओके। सो सबसे पहले कॉर्नर आइटम से शुरू करते हैं, इससे यहाँ मैंने 6 लगा दिए, सो 14 में से 6 यहाँ लगा दिए, ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 कितने बचे मेरे पास, अब 8 बचे, उसमें से 6 मैंने यहाँ लगा दिए, इस ऑक्सीजन की भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब कितने बचे, 6 यहाँ, 6, 12 ख़त्म हो चुके, 2 और बचे, 2 मैं यहाँ लगा देती हूँ, ठीक है। अब देखो और नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट है क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंप्लीट तो नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो लोन पेयर है उसको क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। आप इस लोन पेयर का भी यूज़ कर सकते हैं या इस ऑक्सीजन के भी लोन पेयर का यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ पर बना देती हूँ डबल बॉन्ड। कैसे बनेगा ये, यहाँ चला गया, डबल बॉन्ड बन गया, तो अब इसके पास कितने लोन पेयर बचे, 2 लोन पेयर बचे, इसके पास तो ऑलरेडी एक लोन पेयर है, ठीक, तो ये हो गया इसका कंप्लीट, हो गया ना। देखो नाइट्रोजन का कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नाइट्रोजन का कंप्लीट, ऑक्सीजन का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस ऑक्सीजन का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो दिस इज़ दी फाइनल स्ट्रक्चर NO2। पर हमारे पास देखो NO2 माइनस है, माइनस साइन कहाँ लगाएं, यहाँ प्लस साइन था तो उसको तो हमने सेंट्रल एटम में लगा दिया। अब माइनस चार्ज को हमको कहाँ लगाना होता है, कॉर्नर एटम, पर यहाँ तो दो कॉर्नर एटम है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है,
अब किस में हम माइनस चार्ज लगाएं? ठीक है, अगर आपकी बुक में देखें तो आपकी बुक में ना उसने इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के यहाँ पर ऐसे माइनस चार्ज लगा दिया है, इतना भी बनाओगे तो करेक्ट है, ठीक है। पर हमको क्या निकालना पड़ेगा, दिस इज नॉट टोटली करेक्ट, इसमें हमको बताना है कि एग्जैक्टली कौन से ऑक्सीजन में माइनस चार्ज है। क्या बताना है हमको, एग्जैक्टली कौन सा ऑक्सीजन में माइनस चार्ज है, उसके लिए हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। क्या निकालते हैं, कंसेप्ट आता है एक नया फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट आता है, कि उससे हमको ये पता चल जाएगा कि हर एक एटम में कितने चार्जेस हैं। क्या पता चलेगा, हर एक एटम में कितने चार्जेस हैं। ठीक, इसको मैं रब कर रही हूँ, आई होप आपने ये नोट कर लिया है। ठीक है, नोट कर लिया ये। तो यहाँ पर हम एक नया फंडा पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज का। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, फॉर्मल चार्ज। हमको क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज फॉर ईच एंड एवरी एटम। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। सो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, इसको मैं सिंबल के फॉर्म में लिख रही हूँ। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। फ्री एटम मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है, तब उसमें कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, ठीक है, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर इसको मैं शॉर्ट में लिखूं तो एफ सी इज इक्वल्स टू वी माइनस लोन पेयर माइनस, अच्छा डिवाइड बाय टू भी होता है, बॉन्ड पेयर बाय टू। ये फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज निकालने का। ठीक है, वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैंने सिंपल वी लिख दिया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय टू, ये है फॉर्मूला फॉर्मल चार्ज निकालने का। ठीक, इसी फॉर्मूला से हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे हर एक एटम पे। ठीक है, फॉर्मल चार्ज निकालता है हर एक एटम में। तो हम फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए जो फाइनल हम लोगों का ये बना है ना लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसी से हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या कर दो, हर एक एटम को नंबर दे दो। ये सपोज फर्स्ट एटम है, ये सेकंड है और ये थर्ड एटम है। ठीक है, सबको नंबर दे दो। सो अब निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम। ठीक है, पहले ऑक्सीजन एटम में फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो क्या है, वैलेंस। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो मैं यहाँ लिखूंगी 6। अब इसमें देखो कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो मैं यहाँ 4 लिखूंगी। फिर क्या होगा, माइनस बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1, 2, 3, 4, 4/2। तो अब देखो 6 - 4 - 2, तो टोटल कितना आ गया, 0, मतलब इस ऑक्सीजन पे कोई भी चार्ज नहीं है। अब निकालेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड एटम। सेकेंड एटम क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन में निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, वैलेंस। नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ठीक है, नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस लोन पेयर। इसमें लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या लोन पेयर क्या लिखना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लिखना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स लिखना है ना, नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर नहीं लिखना है, हमको लिखना है लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सो लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, माइनस बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, यहाँ 2, 2, 2, 4, 2, 6, 6 - 2। ठीक, अब कैलकुलेट करो, 5 - 2 - 3 = 0, मतलब इस नाइट्रोजन में भी कोई भी चार्जेस नहीं है। अब हम उसमें निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन एटम। ठीक है, जो थर्ड ऑक्सीजन है उस पर निकालेंगे। तो क्या होगा, पहले वैलेंस निकालना, ऑक्सीजन पे कितनी वैलेंसी होती है, 6। ठीक है, अब क्या निकालना है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, कितने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है इसमें, देखो कैलकुलेट करो, 6, माइनस बॉन्ड पेयर के कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने बॉन्ड बनाए उसने, 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, 2 - 2। अब आप इसको कैलकुलेट करो, 6 से 6 कट कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, -1 बचा। सो थर्ड इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेज हैं, -1। तो इसको फाइनल आप कैसे लिखोगे, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, -1
ठीक है, और उसके बाद फॉर्मल चार्ज निकाल के लिखेंगे। सो कैसे लिखेंगे, और ये स्ट्रक्चर हो गया। वो लास्ट वाले ऑक्सीजन पे मैंने निकाला ना, थर्ड ऑक्सीजन पे मैंने क्या निकाला, माइनस चार्ज। तो मैंने थर्ड ऑक्सीजन पे, ये थर्ड जो एटम था, थर्ड एटम पे माइनस चार्ज लगा दिया। तो ये हो गया NO2 का स्ट्रक्चर, NO2 माइनस आयन का स्ट्रक्चर। ठीक है, आप होल में भी माइनस आयन लगा दो, या फिर अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि नहीं फॉर्मल चार्ज भी निकालना है आपको हर एक एटम का, तो फाइनल हम हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। और फॉर्मल चार्ज निकालने से हमको पता चला कि जो फर्स्ट ऑक्सीजन ये वाला हमने माना है उस पर ज़ीरो है, इस पर भी ज़ीरो है, पर थर्ड वाले पे माइनस वन चार्जेस हैं। तो टोटल ओवरऑल चार्ज कितने हो गया उस NO2 नाइट्राइट आयन में, माइनस वन चार्ज हो गए। तो क्लियर हुआ, ऐसे आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है और उसके बाद फाइनल जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो बनेगा। क्लियर हुआ, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ आपको। सो नेक्स्ट है लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन, है ना। वो नाइट्राइट था, NO2- को हम नाइट्राइट बोलते हैं, NO3- को हम नाइट्राइट बोलते हैं। तो ये याद रखेंगे, NO2- मतलब नाइट्राइट, है ना, और NO3- मतलब नाइट्रेट। ठीक है ना, एग्जाम में ऐसे ही आएगा, ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर नाइट्रेट आयन। सो नाइट्रेट आयन, जब तक आपको उसका फॉर्मूला नहीं पता होगा नाइट्रेट आयन का, आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। या फिर एग्जाम में अगर राइट द इलेक्ट्रॉनिक डॉट या लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर नाइट्राइट आयन एंड ऑल्सो कैलकुलेट दी फॉर्मल चार्ज इन ईच एंड एवरी एटम, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, फॉर्मल चार्ज भी कैलकुलेट करना है और क्या कैलकुलेट और बनाना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है। सो ऐसा फॉर्मूला नहीं दिया होगा आपको, नाइट्राइट नाइट्रेट करके दिया होगा, जो आपको खुद को समझना होगा। सो नाइट्रेट आयन है यहाँ पर, उसका हमको बनाना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू। सो नाइट्रोजन में कितने हो गए हैं, फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, सिक्स, तो थ्री इंटू सिक्स, और माइनस है तो मैं क्या कर दूंगी, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूंगी, 18 हो गया, 18 और प्लस 19 प्लस 5 24। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करना है मुझे, अब मुझे सबसे पहले क्या बनाना है इसका, इस तरीके से सेंट्रल एटम बना देंगे और तीन इस तरीके से ऑक्सीजन बना देंगे, और सब पे क्या बनाएंगे, एक एक बॉन्ड बना देंगे। फिर क्या कैलकुलेट करेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 × 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तीन बॉन्ड थे। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, वो कैसा होगा, 24 − 6, तो ये हो जाएगा कितना, 18। ओके, अब इस 18 इलेक्ट्रॉन को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, करिए डिस्ट्रीब्यूट, ये 6 मैंने कर दिए, यहाँ भी 6 कर दिया, यहाँ भी 6, तो 6 6 6 6, 18 हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन पूरे डाल दिए मैंने। अब देखो ऑक्सीजन की तो सबकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, पर नाइट्रोजन की हुई है क्या, 1 2 3 4 5 6, है ना, हर एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 ही हुई है, मतलब हमको क्या करना है, अब एक जो है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को हम यहाँ लगा देंगे, तो फाइनल हमको क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर लोन पेयर्स को ड्रॉ कर दो, कितने लोन पेयर्स हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब क्योंकि इस पे माइनस चार्ज है तो हम इस पे क्या लगा देंगे, एक माइनस चार्ज लगा देंगे। ठीक, पर अगर हमको बोलता है कि आपको हर एक एटम में फॉर्मल चार्ज भी निकालना है, सो ओवरऑल इस पे तो माइनस वन चार्ज है, पर अगर हमको फॉर्मल चार्ज निकालना हर एक एटम में, तो फॉर्मूला क्या है, वी माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बाई टू। वो किससे बनाएंगे हम, इस वाले फाइनल स्ट्रक्चर से ये वाला हम निकालेंगे, जो ये वाले स्ट्रक्चर से मत निकालना, हम फाइनल ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है उसी से हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए, आप इसको नंबरिंग कर दो, ये 1, ये 2, इसको 1 2 3 4, ठीक है,
मैंने सारे ऑक्सीजन को भी नंबर दिए, नाइट्रोजन को भी नंबर दे दिया, ठीक है। सो फॉर्मल चार्ज ऑन नंबर वन एटम, ठीक है। नंबर वन एटम क्या है? ऑक्सीजन है, ये वाला नंबर वन जो एटम है उसको मैं उस पर निकाल रही हूँ फॉर्मल चार्ज। तो क्या है फॉर्मूला, क्या है? V माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2, ठीक है। सो कैलकुलेट करो वैलेंस, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 6 होती है, तो 6 लिख दो माइनस। अब इसमें कैलकुलेट करो लोन पेयर के कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ 4 लिख दो। फिर क्या कैलकुलेट करो? बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4/2। देखो कितना आता है, 6 - 4 - 2 = 0, मतलब इस ऑक्सीजन पे कोई भी चार्जेस नहीं है। अब मैं सेकेंड एटम की बात करती हूँ, ठीक। तो निकालो, ऑक्सीजन है सेकेंड भी, 6 होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। बॉन्ड पेयर में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, एक ही बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, समझते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको कैलकुलेट करो, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये हो बचा -1। तो इस ऑक्सीजन पे कितना चार्जेस है? माइनस। अब हम इस थर्ड वाले पे निकालते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा ऑक्सीजन है, सबसे पहले क्या निकालेंगे उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 माइनस। अब इसमें लोन पेयर कैलकुलेट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 हैं इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के। बॉन्ड पेयर के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक ही बॉन्ड बना रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर्स के, 2/2। फॉर्मूला में ही है ना, डिवाइड बाई 2 कहाँ से आया ये मत बोलने लग जाना, फॉर्मूला में ही डिवाइड बाई 2 है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई 2, इसलिए मैं डिवाइड बाई 2 कर रही हूँ। सो आप इसको कैलकुलेट करो, ये और ये कैंसिल, सो ये हो जाएगा -1, मतलब ये वाले ऑक्सीजन पे भी क्या है, -1 का चार्ज है। अब हम नाइट्रोजन पे निकालेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन फोर्थ एटम, फोर्थ एटम क्या है हमारा? नाइट्रोजन। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का क्या निकालेंगे हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 माइनस, ओके। क्या निकालना है नेक्स्ट? है लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कोई लोन पेयर्स हैं क्या? इसमें तो लोन पेयर ही नहीं है, तो 0 हो गया। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या? यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है बॉन्ड प्लेयर, बॉन्ड पेयर, सो 8/2, सो ये जाएगा 5 - 4 = +1। सो इस नाइट्रोजन में क्या चार्ज है? +1 का चार्ज है। तो अब आप इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनाओगे? इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है ना, देखो ये कौन सा ऑक्सीजन है? सेकेंड, सेकेंड एटम पे -1 चार्ज है। नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है? +1 का लगा दो इस पे, ठीक है, नाइट्रोजन पे +1 और इस पे -1। फर्स्ट में कोई चार्जेस है क्या? फर्स्ट में कोई चार्ज नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। थर्ड नंबर, थर्ड ऑक्सीजन पे कोई चार्ज है क्या? यस, -1 है, तो इस पे भी -1 लगा दो और बाकी उसके लोन पेयर्स। तो ये हमारा जो है फाइनल जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा विथ फॉर्मल चार्ज इन ईच एंड एवरी एटम। तो देखो फाइनली, देखो ये +1 और ये -1 दोनों आपस को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ओवरऑल इस पे चार्ज क्या रह जाएगा? सिर्फ -1 ही रह जाएगा, ठीक है। ओवरऑल चार्जेस क्या रह जाएंगे इसमें? -1 रह जाएगा। जनरली जो डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन होता है ना, उस पर कोई चार्जेस नहीं होगा। आप कई क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इससे पहले वाला भी हमने देखा था, डबल बॉन्ड के ऑक्सीजन में कोई चार्ज नहीं था। हमेशा डबल बॉन्ड के ऑक्सीजन में कोई चार्ज नहीं होता है, जो सिंगल बॉन्ड के ऑक्सीजन होंगे उस पर ही चार्ज होगा, और अगर नाइट्रोजन सेंटर में है तो उस पर +1 का चार्ज होगा, ठीक है। सो ये ऐसा आपको निकालना, आप इसको बनाते बनाते आप खुद समझ जाओगे, है ना। अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर है और उस पर माइनस चार्ज लगा हुआ है, मतलब जो सिंगल बॉन्ड के ऑक्सीजन है उसमें दोनों में माइनस चार्ज होगा और नाइट्रोजन बीच में है उसमें प्लस चार्ज होगा, तो एक +1 और एक -1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनल -1 बन जाएगा। अब अगर आप बहुत ज़्यादा बनाते जाएंगे ना तो आपको खुद समझ में आते जाएगा, बट अभी के लिए ये मैथड ठीक है। फाइनल जो है, दिस इज दी नाइट्रेट का स्ट्रक्चर विथ फॉर्मल चार्ज,
ठीक समझ में है क्या क्या किया हमने? सबसे पहले ये पुराना तरीका से हमने यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये नाइट्रेट आयन है, उस पर एक माइनस वन चार्जेस लगेगा। अब मैंने अभी तो मुझे पता चला कि ये नाइट्रेट है, ओवरऑल माइनस वन है, पर मुझे जानना है कि हर एक एटम में कितने फॉर्मल चार्ज है, तो ये वाला मेथड निकाल के मैं फाइनल फॉर्मल चार्ज निकालूंगी, ठीक है। तो ये है, देखो यहाँ पर मैंने माइनस वन लगाया है, पर यहाँ नहीं लगाया माइनस वन ओवरऑल में। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैंने सब में फॉर्मल चार्ज लिख दिए हैं, यहाँ पर मैंने सारे एटम्स में फॉर्मल चार्ज नहीं लिखे थे, इसलिए मैंने ओवरऑल में माइनस वन लगाया था, ठीक है। तो ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर नाइट्रेट आयन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट एग्जाम्पल ओजोन का मैं बता देती हूँ, फिर आपको कुछ होमवर्क दे दूँगी, आप कर लेना, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं ओजोन का बताती हूँ। ओजोन मतलब O3, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओजोन O3 में तीन एटम हैं ऑक्सीजन के, और सब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हो गया टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब मुझे क्या करना है, तीन ऑक्सीजन हैं, तीन ऑक्सीजन ड्रॉ कर दूंगी, सब में एक एक बॉन्ड बना दूंगी, ठीक है। तो ये मेरा बन गया, अभी स्केलेटन बना है, ठीक है। तो देखो कितने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो दो बॉन्ड है, टोटल 4। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स क्या कैलकुलेट करूँगी, 18 − 4, तो हो जाएगा 14, ठीक है। अब मुझे इस 14 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैंने यहाँ लगा दिया 6, यहाँ लगा दिया 6, तो 6 हो गया 12, मेरे पास टोटल 14 थे, तो ये 2 14 हो गए, है ना। अपने मन से लगाते मत जाना, कुछ बच्चे होते हैं, यहाँ 14 है तो 14 इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ पर यूज़ करना लोन पेयर के, पता चला लगाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर लेना, है ना। यहाँ 14 लोन पेयर के कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हमारे, 14, समझ रहे हैं ना। 18 − 4 किया तो मुझे 14 इलेक्ट्रॉन्स का ही यूज़ करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 इलेक्ट्रॉन्स मैंने ऐसे यूज़ किए हैं। अपने मन से इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने का क्या मत लगाते रहना, ठीक। करते हैं बच्चे ऐसी हरकतें। अब क्या करना है, अब देखना है कि सबको ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। इसका तो कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी कंप्लीट हो गए, ये दोनों कंप्लीट हो गए। इसका देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, तो इसके पास क्या बचा, एक ये पेयर और एक ये पेयर, इसके पास तो सारे के सारे ही हैं, और इसके पास क्या बचा, इस तरीके से। तो अब देखो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। हर बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गया O3 का स्ट्रक्चर। अब हम इसमें निकालेंगे फॉर्मल चार्ज, क्या निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज, ये पहला है, ये सेकेंड है, और एक थर्ड है, ठीक है, नंबरिंग करके निकालना। सो पहले हम निकालेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट एटम, तो फॉर्मूला क्या है, वैलेंस। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन का वैलेंस, तो हम इलेक्ट्रॉन हमेशा 6 ही होंगे, तो मैं 6 लिख देती हूँ। अब हमको लोन पेयर कैलकुलेट करना है, इसमें लोन पेयर देखो कितने हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स है लोन पेयर के। बॉन्ड पेयर के कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4/2, तो ये हो जाएगा 6 − 4 − 2, मतलब 0। तो मैंने पहले भी बताया था, डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन है, मतलब उसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो इस पे आ गया आपका 0 चार्ज। अब होगा इस इलेक्ट्रॉन पे, सो इस इलेक्ट्रॉन पे देखो 3 बॉन्ड है, तो इस पे अब कोई ना कोई चार्ज होगा इस ऑक्सीजन पे। जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाते हुए दिखे ना, इसका मतलब है उस पे कोई ना कोई चार्जेस जरूर है, ठीक है। तो अब उस ऑक्सीजन के बारे में बात करें, सेकेंड वाले की। सो ऑक्सीजन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होंगे। अब क्या कैलकुलेट करना है, लोन पेयर, तो 1 और 2 ही लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपको कैलकुलेट करना है बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, 6/2, देखो 6 − 2, 6/2 − 3, ये हो गया +1। तो सेकेंड ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ गया, +1। अब हम निकालेंगे थर्ड एटम पे, इस वाले ऑक्सीजन पे,
तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 हुए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर के हैं। बॉन्ड पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2/2, 6 - 6 - 1, 6, 6 कैंसिल, -1। तो इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, थर्ड वाले पे -1। तो इसका फाइनल आप बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो देखो फर्स्ट वाले में 0 है, सेकंड वाले में +1 है और थर्ड वाले में -1 है। बाकी आप इसके सारे लोन पेयर्स बना दो, तो ये हमारा हो गया ओजोन का स्ट्रक्चर विथ फॉर्मल चार्ज। तो ओवरऑल ओजोन में कोई चार्ज है क्या, O3 में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस दोनों आपस में कट गए, तो टोटल ओवरऑल यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है। सो O3 इज द न्यूट्रल एटम बिकॉज ऑफ दैट। इन दोनों में तो चार्जेस है बट एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, तो ओवरऑल कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक, तो ये भी देखना है आप जब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं उसके बाद आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। O3 मॉलिक्यूल में कोई चार्जेस नहीं है, देखो इसमें कोई चार्जेस नहीं आ रहे हैं, +1 - 1 कैंसिल आउट हो गया है। ठीक, तो ये है ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, सो यहाँ हमने पढ़ लिया लुईस स्ट्रक्चर, बहुत सारे लुईस स्ट्रक्चर पढ़े। ठीक है, कुछ मैं आपको होमवर्क भी दे दूँगी, आप ट्राई करो घर पर, एग्ज़ाम में डेफिनेटली आता ही है। इसके आगे जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो रेजोनेंस में जब तक आपको ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनेगा आपको रेजोनेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले रेजोनेंस से पहले इसको आपको क्लियर होना ज़रूरी है। तो मैं आपको 5-6 और एग्जांपल दे दूँगी, होमवर्क दे दूँगी, आप उसको करिए। अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, ठीक है, और हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में। अभी तक तो हमने कोवेलेंट बॉन्ड, ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड थे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही थी यहाँ पर, सो ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड थे। अब जो हम इस अगले चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ेंगे वो है आयनिक बॉन्ड के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में कोई डाउट हो जस्ट लेट मी नो, और प्लीज़ ट्राई करो क्योंकि हमको जल्दी जल्दी कोर्स करना है, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली एक वीडियो डाल सकूँ। ओके ओके, देन आप कंसिस्टेंट रहिए, रेगुलर रहिए, पंक्चुअल रहिए, तभी कोर्स हो पाएगा। ओके, थैंक यू।